एजेंडे के तहत इमरान खान के खिलाफ चला रही थी, उसका जो क्लाइमेक्स था वो आपने वजीराबाद में देखा, और उसके बाद भी, उस सानिया के बाद भी, पोस्ट एक्सटेंट भी जो है जिस तरीके से कैंपेन चलाई जा रही है, जिस दीदा दलेरी के साथ, मतलब एक इंटीरियर मिनिस्टर जो है फेडरल गवर्नमेंट का, वो टीवी पे बैठ के भरभला जो है धमकियां दे रहा है और वाज़े अल्फाज में ये पैगाम दे रहा है कि उसका जो मुजरमाना जहन के अंदर उसकी क्या, उसकी सोच क्या है। और उसके बाद आपने देखा हाफिजाबाद के अंदर मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन स्टेज पे बैठ के उनके अपने जो सूबाई और जो उनके जिलाई अहदेदारान हैं उन्होंने किस तरीके से जो है मजहबी मुनाफरत के अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान के खिलाफ, उनको जान से मारने के हवाले से किस तरह से धमकियां दी। मैं ये समझता हूँ कि सियासत को इस हद तक, सियासी इख्तलाफात को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तमाम इदारे जो है बिल्कुल जो है 24 घंटे जो इसके ऊपर तमाम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि हम इंशाल्लाह ताला जो भी ये असल जो हकायक हैं आपके सामने लाते रहें और जो असल मुजरिम हैं उनको इंशाल्लाह ताला उन तक पहुंचा जाए और उनको कानून के कटहरे में ले जाए। सब ये बताइएगा राणा साहब, हुकूमत ने जो है मना कर दिया है कि वो इलेक्शन बिफोर टाइम नहीं करवाएगी, हुकूमत ने वादे कर दिया है, आपके पास क्या तरीका होगा? और दूसरी बात ये कि आसिफ मुनीर को आर्मी स्टाफ लगा दिया गया है, जरा देखें। ये जो जत्था जो वफाक के अंदर इक्तदार पे काबिज है आपके सामने पिछले 6 मास है, ये जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जितना इन्होंने जमहूरियत और सियासत को बदनाम किया है, जितना इन्होंने आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं वो कौम के सामने है। इनकी तो पहले दिन से ख्वाहिश है, क्योंकि NRO ये ले चुके, चोरी का पैसा ये जेब में डाल चुके हैं, अब इनकी कोशिश है कि हालात को खाना जंगी की तरफ लेके जाया जाए, ये इनकी अना और जिद है। वरना बारहा जो इमरान खान साहब ने आज से 6 महीने पहले जो इस मसले का हल किया था कि फौरी तौर पे साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, अवाम की राय से जो है ये फैसला करवाया जाए कि किसने हुकूमत करनी है, किसने जो है मामला को आगे लेके चलना है, लेकिन इसके बरक्स आपने देखा कि इनकी अना और जिद है कि ये बारहा अवाम की राय को मुस्तरद करके, अवाम ने 17 जुलाई को भी फैसला दिया, अवाम ने उसके बाद जो अभी बाई इलेक्शन अभी जो हालिया हुए उसके अंदर भी बड़ा वाज़े पैगाम दिया कि अवाम इन चोरों डाकुओं को मुस्तरद करती है, लेकिन ये लोग इक्तदार की हवस में लूट मार करने के लिए, अपनी लूट का माल बचाने के लिए इक्तदार से चिपटे हुए, और अगर खुदा न खास्ता हालात जिस ख़राब होते हैं तो यकीनन यही लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये किसी तौर पे भी नहीं चाहते कि हालात जो है नॉर्मलाइज हों, सियासत जमहूरियत के नाम पे सिर्फ लूट मार का इन्होंने बाजार कर रखा। जो सर ने बताई कि इस तरह CCPO को जो है वफाक हटाता है, आप उसको जाने नहीं देते, IG को जो है वो आप हटाते हैं, वफाक है वो यही है, ये तसादुम की जो कैफियत है वो किस बात की नहीं पता। आपने अपोजिशन और हुकूमत का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही बात हम 6 महीने से कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये बहुत ज़्यादा हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है, जो मुआशी अदम इस्तेकाम है, जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए कम अज़ कम हमें फौरी तौर पर जो है साफ शफाफ इलेक्शन का जो है इनेकाद करवाना है, वरना उसके बगैर हालात जो है मजीद जो है बदतर से बदतर हो सकते हैं। ये बताएं, बताओ मुशीर दाखिला, आप कन्फर्म करेंगे क्या कि जो इतलात आ रही थी कि जाए हादसा से शवाहत ज़ाया हुए हैं, जबकि DPO गुजरात की जानब से कहा गया कि शवाहद हमने तहवील में ले लिए हैं, आपकी क्या इतलात है तहकीकात? बिल्कुल, जो तहकीकती एजेंसियाँ उन्होंने फौरी तौर के ऊपर शवाहद जो हैं उनको कलेक्ट किया और उसके जो लैब टेस्ट हैं वो इन प्रोसेस में। थैंक यू।